नैना कहाँ हो? मैं किचन में हूँ मम्मी जी। जरा इधर आना बेटी, मुझे जरा कपड़े सुखाने हैं तो थोड़ी हेल्प कर दो जरा। अभी आई मम्मी जी। ये कहानी है नैना की जिसकी नई नई शादी हुई थी। कमला जब अपने बेटे आशीष के लिए नैना को देखने गई थी तो पहली नजर में ही नैना आशीष और कमला दोनों को भा गई थी। वो इतनी सुंदर जो थी, साथ ही बहुत संस्कारी लड़की थी। शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे और नैना ने घर का सारा काम संभाल लिया था। फिर एक शाम, माँ मैं आ गया। आजा आजा, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय पकौड़े बना कर लाती हूँ। मम्मी जी आप क्यों बनाएंगी, मैं बना कर लाती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, तू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले, मैं बना देती हूँ। और आप तो हमेशा से काम कर रही है मम्मी जी, अब आप आराम करो, मैं हूँ ना। इतना कहकर नैना किचन में चली गई और पकौड़ों की तैयारी करने लगी। उसे काम करता देख कमला और आशीष मुस्कुरा दिए। हमारे तो भाग खुल गए आशीष बेटा, जो इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है हमें। हाँ माँ, नैना लाखों में एक है। ऐसी सुंदर लड़की तू नहीं ढूंढ पाता अपने लिए, जैसी मैं ढूंढ कर लाई हूँ, बिल्कुल राजकुमारी लगती है। कमला की बात सुनकर आशीष शर्मा गया और उधर किचन में खड़ी नैना भी मुस्कुरा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन, सुनिए ना, वो उस दिन जो मॉल में आपने फोटो खींची थी वो दिखा तो दो। अरे भाई तुम बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन, अब खुश? हाँ हाँ वो मुझे पता है, पर फोटो तो दिखाओ। अच्छा बाबा दिखाता हूँ, ये लो तुम खुद देख लो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। आशीष ने अपने मोबाइल का लॉक खोला और बाथरूम चला गया। नैना ने आशीष के फोन की गैलरी खोली और फोटोज देखने लगी। उसकी फोटोज वाकई बहुत अच्छी आई थी। उसने आशीष को वहीं से आवाज लगाई, जल्दी आओ ना, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाँ हाँ पता है, राजकुमारी लग रही हो, अब खुश? मॉल की फोटोज देखने के बाद नैना स्वाइप करती रही और फिर अचानक वो बेहोश होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी और फिर उसने एक लड़की को देखा जिसे किसी ने देखते ही देखते तलवार से मौत के घाट उतार दिया। नैना घबरा कर चीख पड़ी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर कमला और आशीष दौड़कर उसके पास आए और फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, हल्की खरोंच है बस। पर मेरी बहू को हुआ क्या है डॉक्टर? ऐसा लगता है कि कोई सदमा लगा है इन्हें, बाकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आशीष और कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद नैना को होश आ गया। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची, तुझे हुआ क्या था? मैं ठीक हूँ माँ जी, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो इनके फोन में फोटोज देख रही थी और फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ। कोई बात नहीं, तुम सारा दिन काम करती रहती हो इसलिए चक्कर आ गया होगा, थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये मसला इतना मामूली नहीं था। इस बात को पूरा हफ्ता गुजर गया और फिर एक दिन। सुनो नैना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ एकदम बढ़िया, बताइए। वो दरअसल नया साल आ रहा है ना, तो मैं सोच रहा था पार्टी रख लूं। तुम बोलो सबको बुला लूं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर आशीष अपना फोन वहीं छोड़कर बाहर चला गया। तभी उसका फोन देखकर नैना को याद आया, जब वो बेहोश हुई थी तब वो आशीष का फोन देख रही थी। उसने हिम्मत करके आशीष का फोन उठाया और फिर से वही फोटोज देखने लगी। तभी एक फोटो को देखते ही उसकी आंखें पीली पड़ने लगी। उस फोटो में आशीष अपने बॉस केसी के साथ खड़ा हुआ था और उस फोटो को देखते ही नैना की आंखें बंद हो गई और फिर उसने देखा, दुष्ट सपेरे, तू चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, पर मैं तुझे ये नागमणि हरगिज नहीं दूंगी। जान तो तेरी जाएगी ही, साथ ही ये मणि भी हासिल करके रहेगा कालीचरण। यही नैना का सच था। 25 साल पहले नैना एक इच्छाधारी नागिन थी, उसके पास नागमणि की शक्ति थी, पर सपेरा कालीचरण उसे मणि और उसकी ताकत छीनना चाहता था। उस दिन कालीचरण और नैना में भयंकर युद्ध हुआ था, पर कालीचरण की सिद्ध अंगूठी की वजह से नैना के सारे वार बेकार जा रहे थे। फिर कालीचरण ने उसे मार डाला, लेकिन फिर भी वो नागमणि हासिल नहीं कर पाया। नैना ने फिर जन्म लिया, लेकिन उसे ये सब कुछ याद नहीं था, जबकि कालीचरण ने अपनी काली शक्तियों के दम पर खूब पैसा कमाया और एक बड़ी कंपनी खोल ली जिसमें नैना का पति आशीष काम करता था। उस दिन नैना केसी यानी कालीचरण के आने का इंतजार करने लगी और फिर। ओ तो ये है नैना। मैं हूँ नैना, आपने तो मुझे फौरन पहचान लिया। हाँ भाई, ये आशीष सारा दिन तुम्हारी ही बातें करता रहता है, सो मैंने तुम्हें पहचान लिया। नया साल मुबारक हो नैना। जी आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर।
सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे। तभी नैना ने देखा आज भी कालीचरण की उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी। वो किचन में गई और ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आई, पर उसने ट्रे एक हाथ में पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में खुखरी छुपा रखी थी। जैसे कालीचरण ने अंगूठी वाले हाथ से चाय का कप पकड़ा, नैना ने कालीचरण की कलाई पर खुखरी दे मारी, जिससे उसका हाथ कलाई से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखकर वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई और तभी नैना ने कहा, ओम नमः नागेश्वराय। मंत्र का जाप करते ही नैना एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। उसने अपनी शक्तियों से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसे नागिन के रूप में देखते ही कालीचरण दर्द से कराहते हुए बोला, नलिनी तू, पर तुझे तो मैंने हाँ कालीचरण, तूने मुझे मार दिया था उस दिन, पर मैं फिर पैदा हुई इंतकाम लेने के लिए, और आज तो तेरे पास तेरी तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। आज तू नहीं बचेगा दुष्ट सपेरे। नैना के इतना कहते ही कालीचरण का भेष भी बदल गया और वो एक सपेरे में बदल गया। दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। बाकी सारे लोग ये मंजर देखकर जहां जगह मिली वहीं छिप गए। तभी नैना ने आंखें बंद की और एक मंत्र का जाप किया। जब नैना ने आंखें खोली तो उसकी आंखें नीली हो गई थी। उसकी आंखों में नागमणि चमक रही थी। तभी उसकी आंखों से आग निकली और उस आग से कालीचरण जलकर राख हो गया और वो राख हमेशा के लिए हवा के साथ उड़ गई। दूसरी तरफ नैना भी बेहोश हो गई थी। और फिर कुछ घंटों के बाद, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नए साल का जश्न बर्बाद कर दिया। नहीं ऐसा मत बोलो नैना, हमने सब सुन लिया था और तुमने तो एक दुष्ट को उसके किए की सजा दी है। नए साल पर मुझे मेरी नई नैना मिली है, नीली आंखों वाली नैना, जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हिम्मत वाली है। हमें नहीं चाहिए कोई बहन वहन, हम सात भाई बहुत खुश हैं। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर जानकी हंस पड़ी। मुझे कब से एक बेटी चाहिए थी। बेटा तुम अभी ऐसा बोल रहे हो, लेकिन एक बार घर में बहन आ जाएगी ना, तो उसके बिना नहीं रह पाओगे। हाँ अच्छा, नाम क्या रखोगे अपनी बहन का? टीना रखेंगे, टीना नाम मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, तुमने तो सोच रखा है। मेरा प्यारा बेटा। जानकी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। उसी आशा में उसके सात बेटे हो गए और इस बार गर्भवती होने के एक महीने बाद उसका पति हार्ट अटैक से मर गया। जानकी के सातों बेटे उसकी देखभाल करने लगे। ऐसे ही 8 महीने बीत गए और एक दिन जानकी के पेट में दर्द शुरू हुआ। आह आह, लगता है मेरी डिलीवरी होने वाली है, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो। उसके सातों बेटे उसे लेकर अस्पताल की ओर भागने लगे। घर से अस्पताल जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता था और जंगल के इस पार कोई गाड़ी भी नहीं आती थी। जानकी का बड़ा बेटा श्याम माँ को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भाग रहा था। वो लोग जंगल में आ गए थे और तभी किसी चीज से टकराकर श्याम गिर गया। जानकी भी गिर पड़ी, लेकिन जानकी एक बड़ी सी नागिन के ऊपर गिरी। नागिन ने गुस्से में आकर जानकी के पेट पर काट लिया और वो नागिन वहाँ से भाग गई। उसने मुझे काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। आह बेटा, मेरी होने वाली बच्ची को बचा लो। श्याम जानकी को गोद में उठाकर फिर से दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जानकी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो खुद जिंदा नहीं बच पाई। नागिन के जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। श्याम ने अपनी बहन को गोद में लिया और देखा उसकी आंखें नीले रंग की हैं। डॉक्टर साहब, इसकी आंखें हमारी तरह क्यों नहीं है? बेटा, यहाँ बहुत कम बच्चों की आंखें नीली होती हैं। ये तो भगवान ने दिया है। वैसे नीली आंखों में बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारी बहन। हाँ वो तो है, इसका नाम टीना है। अपनी माँ की मृत्यु से सातों भाई जैसे अंदर से टूट गए, लेकिन उन्हें अपनी बहन का ख्याल रखना था, इसीलिए सातों काम धंधा ढूंढने लगे। श्याम के भाई मोहित ने कहा, भैया हमें बहन का ख्याल रखना है, यही माँ की आखिरी इच्छा थी। हाँ मोहित, वो तो है, बहन को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी टीना अजीबोगरीब हरकत करती है, सांपों जैसी आवाज निकालती है। माँ को सांप ने काटा था, इसीलिए आप वैसा सोच रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है भैया, आप इसके बारे में मत सोचिए। श्याम, मोहित और मानव ने काम धंधा ढूंढ लिया। बाकी चार लड़के अभी काम धंधा करने के लिए बहुत छोटे थे। घर की जिम्मेदारी तीनों भाइयों के ऊपर ही आ गई। समय बीतता गया और टीना बड़ी होने लगी और उसी उम्र में वो रसोई का सारा काम संभालने लगी। लेकिन एक दिन अजीबोगरीब घटना हुई। टीना शाम को अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी, तभी मोहित ने देखा एक बड़ी सी नागिन दरवाजे से रसोई में घुस रही है। अरे वो देखो कितनी बड़ी है, वो रसोई में घुस रही है। उसे देखकर सभी चौंक गए। रसोई में तो टीना खाना बना रही है, चलो उसे बचाना पड़ेगा। वो लोग दौड़कर रसोई में गए, लेकिन वहाँ जाकर वो लोग जैसे बेबस हो गए। उनके हाथ पैर और बोलने की क्षमता जैसे रुक गई। उन लोगों ने देखा वो नागिन टीना के सामने अपना फन फैलाए बैठी है और टीना उस नागिन की आंखों में देख रही है, जैसे कि दोनों के बीच में कोई बातचीत हो रही हो।
कुछ देर ऐसे रहने के बाद वो नागिन खिड़की से बाहर चली गई। बहन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतनी देर वो नागिन यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं, जैसे कि वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो मुझे बोल रही थी कि मैं उसी की बेटी हूँ। ये बकवास है, ये तेरा सपना है टीना, एक नागिन बात कैसे कर सकती है? पता नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलकर टीना रोने लगी। श्याम ने उसे चुप कराया। टीना सो गई तब श्याम ने सभी से कहा, मुझे पहले से ही शक था, हमारी बहन के साथ सांपों का कुछ लेना देना है, नहीं तो उसकी आंखें नीली क्यों होंगी? अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा भैया, नागिन ने माँ को पेट पर ही काटा था, क्या इसीलिए टीना इच्छाधारी नागिन बनकर पैदा हुई है? ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप दोनों? भैया, इच्छाधारी नागिन कुछ होती है क्या? मैं तो नहीं मानता। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं मानव, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं और कुछ सोच रहा हूँ। अगर टीना इच्छाधारी नागिन हुई तो हमें संभल कर रहना होगा, कभी भी हमारे घर पर हमला हो सकता है, ये लालची इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बातचीत करने के बाद सभी सो गए। तभी अचानक से टीना जग गई, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। वो बिस्तर से उठ गई और अचानक से एक नागिन में बदल गई। वो खिड़की से बाहर चली गई। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो उस नागिन के पास चली आई। नागिन ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, मेरी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। टीना कुछ कह नहीं पाई। कुछ देर बाद वो घर वापस आने लगी। तभी जंगल में एक सपेरा घूम रहा था। सपेरे ने टीना को देख लिया और पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया। सपेरे ने देखा कि टीना खिड़की से कमरे में घुस गई और इंसान के रूप में आकर सो गई। आज तो मजा ही आ गया, इसे बेचकर बहुत पैसा मिलेगा, मैं कल इसे बंदी बनाने आऊंगा। श्याम का शक सच होने वाला था, उनके घर पर हमला होने वाला था। सुबह श्याम, मोहन और मानव काम पर चले गए, बाकी चार भाई इधर उधर भटकने लगे। टीना घर में अकेले काम करने लगी, तभी वहाँ वो सपेरा चला आया। आज तुझे मैं कैद करके रहूंगा। उस सपेरे ने टीना को एक बक्से में कैद कर लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, टीना चिल्लाने लगी। वो सपेरा भागने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ श्याम और बाकी के छह भी आ गए। दुष्ट सपेरे, छोड़ दे मेरी बहन को। तेरी बहन इच्छाधारी नागिन है, हट जा मेरे सामने से, नहीं तो जादुई शक्ति से तुम सभी को मार डालूंगा। सपेरा भागने लगा। सातों भाई बस बेबस होकर देखने लगे। टीना रोती रही और तभी वहाँ वो नागिन आ गई। रुक जा दुष्ट सपेरे, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये बोलकर नागिन ने सपेरे को डस लिया। सपेरा मर गया, टीना को मुक्ति मिल गई। नागिन कौन हो तुम? मैं हूँ बेटा। ये बोलकर नागिन इंसान के रूप में आई, वो जानकी बन गई। माँ, आप कैसे? नागिन के डसने की वजह से मेरी मृत्यु हुई थी, इसीलिए मरने के बाद मेरी आत्मा उसी नागिन के अंदर चली गई और मैं इच्छाधारी नागिन बन गई। माँ, अब से आप हमारे साथ रहोगी ना? हाँ बेटी, अब से हम सब एक साथ रहेंगे। सभी एक साथ रहने लगे। सातों भाइयों ने अपनी इच्छाधारी नागिन बहन और इच्छाधारी नागिन माँ को अपना लिया और शांति से जिंदगी बिताने लगे।